हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज कृष्णा ओम द्विवेदी एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 ऑफ स्टैंडर्ड 10th। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, स्टेटमेंट ऑफ दीज प्रॉब्लम गिवन बिलो। ठीक है, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल में, हमने उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, हम लोग वन बाय वन करके स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं। पहले का सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहे जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, दो बंदे हैं, एक जॉन एंड दूसरी जीवंती है। ठीक है, दोनों के पास टोटल जो मार्बल्स है मिलाकर के वो कितने हैं, 45 है। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, मतलब दोनों को क्या किए गए, 45 मार्बल में से कुछ कुछ मार्बल डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, उनमें से क्या हुए, उन दोनों में से दोनों ने कुछ कुछ मतलब 5 मार्बल्स लॉस कर दिए। 5 जॉन ने लॉस किए एंड 5 जीवंती ने भी खो दिए। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। फिर उनके पास जो बचे हुए मार्बल्स थे, उन मार्बल्स का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई किया आपस में, तो जो मार्बल का रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज 124। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, हमें यह पता करना है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके पास कितने कितने मार्बल्स दिए गए थे। ठीक है, जीवंती के पास कितने मार्बल्स, 45 में से कितने मार्बल जीवंती को दिए गए थे, एंड 45 में से कितने मार्बल आपके जो है ना जॉन को दिए गए थे। ठीक है, चलिए भाई सपोज करते हैं यहां पे, लेट द मार्बल्स गिवन टू जॉन एट स्टार्ट, जब स्टार्टिंग में जॉन को कितने मार्बल दिए गए, मान लेते हैं एक्स जितने मार्बल दिए गए। ठीक है, नाउ जीवंती है मार्बल, तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए एट स्टार्ट, तो इन दैट इज इक्वल टू कितने हो गए, यहां पर भाई टोटल मार्बल्स कितने हैं, 45 है, तो जीवंती के पास हो गए 45 माइनस में एक्स मार्बल्स। ठीक है, तो अभी उसने ऐसा बोला है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स या जॉन है हैज नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल। ठीक, 5 मार्बल लूज करने के बाद, लॉस्ट करने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल बचे, एक्स माइनस 5। ठीक है, मतलब उसको एक्स मार्बल स्टार्टिंग में दिए गए थे और उसने 5 मार्बल क्या किए, खो दिए, तो उसके पास कितने मार्बल बचे, एक्स माइनस 5 जितने मार्बल बचे। ठीक है, एंड जीवंती हैज नंबर ऑफ मार्बल आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल। ठीक है, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे भाई, 45 माइनस एक्स तो अभी उसके पास थे, 5 और हो गए, तो अब उसके पास कितने बचेंगे मार्बल, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 45 में से 5 गए, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स जितने मार्बल्स जीवंती के पास बचे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, उसने बोला है कि अगर मैं 5-5 मार्बल्स खोने के बाद दोनों के बचे हुए मार्बल्स का प्रोडक्ट कर दूं। ठीक है, मतलब दोनों के पास जो बचे हुए मार्बल है, जॉन के पास x माइनस 5 बचे हैं और जीवंती के पास 40 माइनस x बचे हैं, तो
उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज इक्वल टू 124 आता है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कितने मार्बल जॉन को दिए गए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 इनटू एक्स दैट इज इक्वल टू 40x, 40 इनटू 5 देन कितना हो गया 200, फिर इसके बाद में माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस में कितना हुआ 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी अगर हम लोग देखें यहां पर तो इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहां पर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसमें हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45x, इसके बाद में माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको ये माइनस साइन उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस साइन कॉमन दिया तो जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में कितना हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इस 45 को कुछ ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिससे कि मुझे कितना मिल जाए यहां पर 324 उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे, अगर हम लोग यहां पर देखें तो 324 2 से कट कर देते हैं, यहां पे कितना बचेगा 1 और इसके बाद में कितना हो जाएगा यहां पे हो जाएगा आपका 6 और इसके बाद में 162, फिर से 2 से कट किया यहां पर 81, अभी किससे कट किया यहां पे 3 से कट किया 27, फिर 3 से 9, फिर यहां पर 3 एंड 3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो हमें क्या करना है, यहां पर अगर हम लोग देखें 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, 3 2 6, 6 2 कितना होगा 12, 27 प्लस 12 अगर मैं देखूं यहां पे 39 हो जाएगा, वो आपका नहीं हो पाएगा। तो अभी अगर मैं देखूं तो 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है, 36 प्लस 9, देखो भाई इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दीज आर 36 एंड दीज आर 9 एंड 36 प्लस 9 कितना होता है 45 होता है, तो इसका मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा 36 एंड 9 हो जाएगा, तो यहां पर कितना हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 36 एक्स माइनस में कितना हो जाएगा यहां पे 9x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें x कॉमन ले लेता हूं, देन x माइनस में यहां पे 36 बचेगा, यहां पर माइनस 9 कॉमन ले लेता हूं, देन x माइनस में 36 बचेगा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हम लोग सबको एक साथ में रख देते हैं, देन x माइनस 36 और दूसरे में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसमें कितना हो गया x इज इक्वल टू 36 आ गया और x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अभी इसमें से हमारे पास दो वैल्यू हैं, अगर आप क्या करते हो यहां पे, अगर आप जॉन को 36 देते हो मार्बल तो यहां पर जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास 9, अगर आप यहां पर दो कंडीशंस हैं तो यहां पर नंबर ऑफ मार्बल यहां पे हो जाएगा नंबर जॉन्स मार्बल लिख देते हैं यहां पे जॉन्स मार्बल दैट इज इक्वल टू 36, तो ये किसके हो जाएंगे जीवंती मार्बल, ठीक है। इसमें से भाई आप जो लेना चाहो, आप ले लो कि भाई अगर मैं जॉन को 9 मार्बल दूंगा तो जीवंती कितने मिलेंगे 36 मिलेंगे, अगर आप जॉन को 36 मार्बल दोगे तो जीवंती कितने मिलेंगे 9 मिलेंगे, दोनों कंडीशंस यहां पर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर अगर x की वैल्यू 36 ले ली तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 9, और अगर आपने x की वैल्यू 9 ले ली तो यहां पर जो जीवंती के पास मार्बल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो आपका कोई भी आंसर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तो ये हमारा हो गया इसको करने का तरीका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार करके देखना। चलिए अभी देखते हैं सेकंड का सोल्यूशन, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नाउ इसका सेकंड का सोल्यूशन क्या होगा, देखते हैं सेकंड नंबर। देखिए अभी सेकंड नंबर में क्या है, यहां पे अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। एक दिन में कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या करती है, मतलब कई सारे खिलौने बनाती है एक दिन में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है। मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है। मतलब कि जितने भी आप नंबर ऑफ टॉयज बनाते हो, ठीक है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 55 में से अगर आप नंबर ऑफ टॉयज को सब्ट्रैक्ट कर देते हो देन दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट टॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उन्होंने क्या लिया, एक दिन लिया और उस दिन उन्होंने देखा कि उनका जो नंबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आया है उस दिन के टॉयज का वो कितना है, 750 रुपीज आया है। तो हमें यह पता करना है कि आखिर उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज बने थे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो यहां पे सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं, मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। देन यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, एक टॉय की बात कर रहा है यहां पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू, उसने ऐसा बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें कहीं ये मत कर देना कि आप x माइनस 55 कर दो, उसने ऐसा बोला है कि फाउंड टू बी 55, उसने टोटल यही पूरी इक्वेशन लिख दी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, देन द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस आर x, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अभी उसने ऐसा बोला है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, ठीक है। और आपको पता है भाई किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट आप कैसे फाइंड कर, तो जैसे भाई आप मार्केट में जाते हो, आपने बोला कि भाई एक चॉकलेट 10 रुपीज की है, ठीक है, एक चॉकलेट 10 रुपीज की है, तो आपने टोटल 10 चॉकलेट्स ली है, ठीक है। आपका जो है ना वन चॉकलेट का प्राइस कितना है, वन चॉकलेट का प्राइस है हमारा 10 रुपीज, ठीक है। अगर आपने यहां पर 10 नंबर ऑफ चॉकलेट्स ली हैं, तो उनके प्राइस के लिए आप क्या करते हो, नंबर ऑफ चॉकलेट इनटू में प्राइस ऑफ वन चॉकलेट मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट आ जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज यहां पर भी हमें करनी है कि हम लोग एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस में एक्स रुपीज है, वो कितना है 55 माइनस में x रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ है 750 हुआ। तो चलो देखते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना आया, 750 आया, कितना आया है 750 रुपीज। अब 750 लाने के लिए आप क्या करोगे, एक टॉय के कॉस्ट में से नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पर कितना हो जाएगी 55 माइनस एक्स इनटू में एक्स, ठीक है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन टॉय एंड दिस इज द नंबर ऑफ टॉयज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन वन डे इन दैट इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहां पर, देन
इसके बाद इसको पूरा सॉल्व करते हैं, इसको उस साइड पे लेकर के जाते हैं, देन यहां पर पूरी इक्वेशन जो हो जाएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को उस साइड पे लेके गया तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अभी हमें ये फाइंड करना है कि भाई 750 को मतलब इन दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें 750 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 750 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहां पर कितना हुआ 2, यहां पर कितना आया 3, इसके बाद में 7 और यहां पे 5। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 3 से कर देते हैं 3 1, इसमें से कितना हुआ 2 और यहां पर 5 आ गया। अभी 5 से कर देते हैं 25 आ गया, 5 से कर दिया 5 आ गया और फिर 5 से कर दिया 1 आ गया। ठीक है, तो यहां पर अभी हमें यह फाइंड करना है कि इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा। ठीक है, देखो भाई 5 5 25 और इसके बाद में 5 3 कितना होता है यहाँ पे 15 15 2 30, इनका जो प्रोडक्ट हुआ वो कितना हुआ 30 एंड 30 प्लस में 25 दैट इज इक्वल टू 55, मतलब हमारा यहाँ पर फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अब इसको करके देखो, दो तीन बार करके देखो कि आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा कि इस बीच वाले नंबर को हम लोग कौन से दो फैक्टर में डिवाइड करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 30x माइनस 25x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेक अ कॉमन, x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लिया, x माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 30 विल बी एज अ कॉमन एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, नाउ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 then the value of x is equal to 30, ठीक है? Now x minus 25 is equal to 0, तो x की value कितनी होगी? 25 होगी, ठीक है? देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास तो एक दिन में तो यहाँ पे number of toys produced in a day is equal to 30, ये भी ले सकते हो आप, और आप चाहो तो यहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 25 रुपीज। ठीक है, और जिस दिन आपका जो नंबर ऑफ टॉयज अगर आप 25 ले लिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकेंड के सेकेंड का सॉल्यूशन। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के सेकेंड को सॉल्व किया है, काफी अच्छे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप मैक्सिमम ट्राई करो बाय यूजिंग आरडी शर्मा, बाय यूजिंग आरएस अग्रवाल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड का।